ETNCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम आसमानी दोस्त। मार्च के महीने के वो दिन थे जब हवा ना जाने कहां से चलना शुरू होती है और तेज आंधी बन जाती है। सुबह से ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान पर तेजी से बादल छाए जा रहे थे। मैंने अपनी पहली मंजिल के फ्लैट की बालकनी में व्हीलचेयर यानी पहियों वाली कुर्सी पर बैठी बाहर पार्क में खेलते बच्चों को देख रही थी। बच्चों को तेज हवाओं की कोई परवाह नहीं थी, वो सब तो खेल में मस्त थे। अरे, मिनी अभी तक अंदर नहीं आई, बारिश भी आने वाली है। चलो मैं ही देख कर आती हूँ। मिनी, मिनी। मिनी बेटा। हाँ मम्मी। मिनी गुड़िया, हवा बहुत तेज चल रही है, बाहर बैठना ठीक नहीं है, चलो अंदर चलें। बस थोड़ी देर और। अच्छी बेटी है ना मेरी, है ना? बस जरा सी देर और। उसकी मम्मी ने पार्क में खेलते बच्चों को देखा, लंबी ठंडी सांस ली और अंदर जाते हुए बोली, अच्छा ध्यान रखना, बारिश शुरू होने से पहले ही अंदर आ जाना, ठीक है? ठीक है मम्मा। देखो मैं नहीं चाहती कि तुम बारिश में भीग जाओ मेरी बेटी। मिनी 12 साल की थी और मासूर थी। वो अपनी कमीज के बटन नहीं लगा सकती थी। उसने दांत साफ करना और चमचे की मदद से खाना सीख लिया था। वो अपनी व्हीलचेयर भी खुद चला लेती थी। मगर मिनी का कोई दोस्त नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो मिनी के साथ खेले। वक्त गुजारने के लिए मिनी का सबसे अच्छा मशगला बच्चों को खेलते हुए देखना था। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी, मगर बच्चे अपने खेल में लगे रहे। बड़ी सी लाल गेंद ऊपर नीचे उछलती रही। अचानक बच्चों के बीच एक और गेंद आ गई, एक कत्थई रंग की गेंद। लड़कियों ने चीखें मारी और लड़के गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे। एक लड़का गेंद को छूने के लिए झुका, तभी अचानक उसने पर फड़फड़ाए और उड़ गई। इससे पहले कि मिनी को समझ में कुछ आता कि क्या हुआ, नई गेंद उड़ती हुई उसकी बालकनी तक आ गई और उसकी गोद में उतर गई। अरे ये गेंद मेरे पास, अरे ये तो हिलने लगी, अरे ये तो पंख है, ये तो चिड़िया है। तू मेरे पास आई। मारे हैरत के एक पल तो मिनी की समझ में कुछ नहीं आया। जब जरा संभली तो देखा
कि उसकी गोद में जो चीज है वो गेंद नहीं एक चिड़िया है, जो डर के मारे सिकुड़ी सिमटी उसकी गोद में बैठी है। बारिश अब तेज हो गई थी। मेरी चिड़िया, मैं तुझे बारिश में भीगने नहीं दूंगी। अरे अरे, डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ। मिनी, 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 अरे बेटा, बारिश में भी ये क्या है तेरी गोद में? मम्मी, ये बतख है, आसमान से आई है। अरे हाँ, आजा आजा आजा। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? जरा सी चोंच मार दी थी इस शैतान ने। चलो इसे लेकर अंदर चलते हैं। हाँ, ये ठीक है। यकीनन वो चिड़िया बतख ही थी। ठंडे शिमाली हिस्से से हर साल हिंदुस्तान आने वाला एक मेहमान, शायद वो अपने गौल के साथ अपने वतन वापस जा रही होगी, मगर तेज हवा की वजह से अपना रास्ता भूल गई। अपने साथियों से दोबारा जा मिलने की दीवानावार कोशिश में चोट लग गई। वो एक खूबसूरत जंगली बतख थी। उस वक्त वो बेहद थकी हुई लग रही थी। देखो बेचारी कितनी थकी हुई लगती है, कितनी निढाल है। इसको भूख भी लगी है। हाँ, इतना उड़कर जो आई है तुम्हारे पास। हाँ ना। चलो देखते हैं कि इसे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। हाँ। क्या क्या खाती है ये बतख। शाम तक मिनी और उसकी मम्मी बतख को कुछ खिलाने की कोशिश करती रहीं। उन्होंने उसके सामने रोटी के टुकड़े, फलियां और फल सब कुछ रखा। अरे मेरी नन्नी बतख, खाना खाएगी? आ, आ, मेरी छोटी बतख के लिए रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, ये लो रोटी। अरे ये फलियां भी तो खिलाकर देखो इसे। हाँ मम्मी। अच्छा मम्मी, इसे पके चावल के साथ दूध दे दीजिए ना। अच्छा, ये भी मिनी की तरह दूध चावल खाती है। हाँ। शैतान। मम्मा, आपको पता है इसका नाम क्या है? नाम? हाँ। इस बतख का नाम? हाँ मम्मी, मुझे मालूम है इसका नाम क्या है। अच्छा, मित्रा। मित्रा। मित्रा तो बड़ा प्यारा नाम है, है ना मम्मी? हाँ मित्रा, क्या हाल है तुम्हारे? मित्रा, देखो मम्मी। लो खाओ। मित्रा। अरे आज तो मिनी बड़ी खुश है। क्या बात है भाई? पापा पापा, देखो मेरी बतख मित्रा। मित्रा, आहा, कितनी प्यारी है, बहुत प्यारी है। हाँ तो मिनी, ये बताओ मित्रा कहाँ सोएगी? मित्रा को कहाँ पर लिटाए मिनी? पापा, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास ही रहे। अच्छा, शायद उसे रात में मेरी जरूरत पड़े। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। हम इसे एक छोटी सी टोकरी में सुलाएंगे। अरे वाह, अरे वाह। बहुत अच्छे, कितनी प्यारी है ये मित्रा। आखिर उन्होंने मित्रा को एक तिनको की टोकरी में बैठाकर मिनी के पलंग के पास रख दिया। मिनी की उम्मीदों के खिलाफ मित्रा ने रात में उसे बिल्कुल नहीं जगाया।
जब सुबह सवेरे उसकी आंख खुली, मगर डर और घबराहट से उसका हाल खराब हो गया जब उसने देखा कि टोकरी खाली है। मित्रा, मम्मी, मित्रा, मित्रा। मिनी एक कोहने के बल उठकर चिल्लाई और उसने देखा कि वो बाथरूम में से आंखें चमका चमका कर उसे देख रही है। जब मिनी घिसट घिसट कर उसके पास पहुंची तो उसने पर फड़फड़ाए और फुदक कर दूर चली गई। ओ मित्रा, तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मिनी ने बड़ी मुश्किल से जब उसे पकड़ा ओ मेरी मित्रा आ, तो उसने फौरन ठोंग मार दी। मिनी, क्या हुआ बेटा? उसकी मम्मी घबरा कर चिल्लाई और कमरे में आ गईं। मगर जब उन्होंने बतख को अपनी बेटी के बाजुओं में देखा तो उनकी घबराहट खुशी में बदल गई। मित्रा, मिनी, मित्रा के साथ खेल रही हो? हाँ मम्मी। देखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के लिए क्या लाई हूँ। नाश्ता। अरे वाह, आज मित्रा मिनी के साथ नाश्ता करेगी। मैं देख कर आती हूँ। कौन है? आंटी, चिड़िया तो देख सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं देख सकते हैं? आओ आओ, अंदर आओ। मिनी। हाँ मम्मी। देखो, तुम्हारे दोस्त आए हैं। मित्रा को ड्रॉपर से खाना खाता देखकर बच्चों को बहुत हैरत और खुशी हुई। उन्होंने उसे पकड़ने में मिनी की मदद की। आ मित्रा, हम दोपहर में भी रहेंगे मिनी। ये ठीक है। अगले दिन अंजू अपने साथ एक मोटी सी किताब लाई। ये लो मिनी, ये किताब, ये बतखों के बारे में है। अच्छा, इसमें से तुम सब कुछ पढ़ सकती हो। ये ठीक है। पता है मित्रा, शोवलर कहलाती है। शोवलर? शोवलर। बच्चों ने खुश होकर उसे घेर लिया और सब कुछ पढ़ लिया। मित्रा, अब तक सैकड़ों मील उड़ चुकी होगी, है ना? सैकड़ों नहीं, हजारों। ये फिर से हजारों मील उड़कर अपने घर जाएगी। हाँ। बेचारी बतख अपने दोस्तों को कितना याद कर रही होगी। हम खेलेंगे इसके साथ। हाँ, अब तो इसके लिए नए दोस्त बनाना और मुश्किल होगा। हाँ, क्योंकि ये कमजोर जो हो गई है, उड़ भी नहीं पाती है। ठीक कहते हो। हम इसे ताकतवर बनाएंगे। हाँ हाँ, ठीक है, हम इसे ताकतवर बनाएंगे। इस वाकये के बाद पड़ोस के बच्चे मिनी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। आखिरकार बच्चों को एहसास हो ही गया कि मिनी के साथ ना खेलने से उसे कितनी तकलीफ होती होगी। आखिर उनके दोस्त परिंदे की रुखसती का दिन आ ही गया।
मिनी के पापा सब बच्चों और बतख को लेकर झील पर गए। अरे रे 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 रे, देखो देखो देखो, ध्यान से छोड़ना पानी में। अब प्यार से बेटा, प्यार से, धीरे 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 धीरे, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे। मित्रा बेटा, तू प्यारे, वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही है। मित्रा खूब खुश होगी बेटा, तुम भी खुश हो? शाबाश। ऐसे। अरे ये तो उड़ गई। हाँ देखो 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 देखो, कितनी तेज उड़ रही है। तो दिखाई भी नहीं दे रही। अपने घर जाएगी। हाँ, वहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलेगी और खूब खुश होगी। जैसे मिनी अपने दोस्तों के साथ खेलती है और खुश होती है, है ना? मिनी ने मित्रा को ताकतवर बना दिया। मिनी मित्रा की बहुत अच्छी दोस्त है, है ना? अच्छा मुस्कुराओ, हंसो। क्या बात। अगले दिन मिनी बालकनी में बच्चों को खेलते देखने लगी तो पार्क में कोई नहीं था। और फिर दरवाजे की घंटी बजी और बच्चों की फौज अंदर आ गई। आंटी प्लीज, मिनी को हमारे साथ पार्क में खेलने के लिए भेज दीजिए। आंटी भेज दीजिए, हम उसे व्हील चेयर पर हिफाजत से वापस ले आएंगे। मोहब्बत भरे बहुत से नन्हे मुन्ने हाथों की मदद से मिनी सीढ़ियों से उतरी और पार्क में ले जाई गई। उसके बाद भला मिनी अकेली और उदास क्यों रहती? आसमानी दोस्त, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख पद्मा राव, संयोजन डॉक्टर चमन आरा, कलाकार परवेज गौहर, नीरज शर्मा, ममता मलकानी, बाल कलाकार अर्पिता, शालिनी, खुशी, श्रेयस, महमूद और रहमान, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।